हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से। जय हिंद दोस्तों, एक बार आ जाइए, फिर से जुड़ जाइए। आप एक नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष आ गए हैं, बबल शॉट। मैं अमित शर्मा, एसएसजी एकेडमी अयोध्या से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों जल्दी से चैनल पे आ जाओ और आज शॉर्टिंग क्रम में हम आगे पढ़ते हैं बबल शॉट। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था सेलेक्शन शॉट क्या होता है, ठीक है। इससे पहले सर्चिंग हमने आपका लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च कंप्लीट कर दिया है, सेलेक्शन सॉर्ट बता दिया है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, बबल सॉर्ट, ठीक है। सॉर्टिंग मींस अरेंजिंग द एलिमेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अरेंजिंग द एलिमेंट अरेंज द एलिमेंट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अ सॉर्टिंग, ठीक है। हमारा क्या होता है, सॉर्टिंग होता है। सॉर्टिंग में बेटा क्या करना है, डेटा को अरेंज करना है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में कर लो या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे बबल सॉर्ट टेक्निक क्या होती है, सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक में हमने देखा था, ठीक है। एक नंबर लिया जाता था, हर एक से कंपेयर किया जाता था, ठीक है, और सबसे पहले छोटा नंबर फाइंड आउट करके, ठीक है, उसको हम अरेंज कर देते थे, फिर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करके उसको अरेंज कर देते थे। तो इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट हमारा बनता हुआ चला जाता था। आज जो हमें पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना, बबल सॉर्ट, ठीक है। तो चलिए जल्दी से आप सब लोग आ जाइए जिससे मैं टॉपिक आज का शुरू कर सकूं, ठीक है। तो बबल सॉर्ट में, ठीक है, आपका एरे होता है, सिंपल सा क्या होता है, एक एरे लिस्ट होती है। देखो बेटा, एक एरे लिस्ट होती है, मान लीजिए इस एरे लिस्ट में कोई एलिमेंट हम यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट मैंने ले लिया, कुछ भी आप ले लो, 23, 15, 29, 3, 12, 25, कुछ भी एलिमेंट मैंने ले लिया। इसका इंडेक्स नंबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इंडेक्स नंबर ले लिया मैंने। अब बबल सॉर्ट टेक्निक अप्लाई करने से पहले बेटा क्या करना है इसमें, देखिए बबल सॉर्ट टेक्निक में होता क्या है कि सपोज आपके पास एरे लिस्ट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो मेरा फर्स्ट इंडेक्स है वो सेकेंड इंडेक्स से कंपेयर करेगा, एक, ठीक है, ये थोड़ा लॉन्ग स्टेप होगा। फर्स्ट जो इंडेक्स नंबर का एलिमेंट सेकेंड इंडेक्स नंबर से एलिमेंट से कंपेयर करेगा, और अगर सेकेंड एलिमेंट आपका फर्स्ट एलिमेंट से छोटा है तो ये नंबर को क्या करेगा, स्वैप कर देगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर सेकेंड मतलब फर्स्ट इंडेक्स नंबर का एलिमेंट जो उससे पहले वाले जीरो इंडेक्स नंबर के एलिमेंट से छोटा है तो आपस में स्वैप कर देगा, फिर ये अगले इंडेक्स को चेक करेगा, फिर ये छोटा होगा तो स्वैप कर देगा, अगर छोटा नहीं है तो नो चेंज। ऐसे करते करते क्या होगा, हर मतलब ये आपका एक जो है हर एक स्टेप नंबर को कंपेयर करता हुआ लास्ट तक जाएगा और जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो अपने प्रॉपर पोजिशन पे पहुंच जाएगा। एक फर्स्ट कंपेरिजन में फर्स्ट एलिमेंट जो ग्रेटर एलिमेंट फर्स्ट अपने लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, सेकंड स्टेप में सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट स्टेप पे आ जाएगा, थर्ड स्टेप में थर्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट थर्ड स्टेप में आ जाएगा। इस तरीके से आपका क्या होगा कि जो एरे लिस्ट है वो पूरी प्रॉपरली सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए जैसे देखता हूँ मैं कि चेक करूंगा यहाँ पे 23, 15, तो 15 आपका 23 से छोटा है तो नंबर क्या करेगा आपका, स्वैप कर जाएगा, यहाँ पे नंबर स्वैप हो जाएगा तो हो जाएगा 15, 23, 29, 3, 12, 25, ओके। अब बेटा यहाँ पे 23 चेक करेगा 29 से, क्या 23 29 से छोटा है, ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ 23 29 से छोटा नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नो स्वैप, दैट मीन्स यहाँ पे कोई स्वैपिंग आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है। अगले स्टेप में क्या चेक करेंगे, 20 जो 9 आपका क्या 3 से छोटा है, नहीं, आपका 3 जो है 29 से छोटा है तो यहाँ स्वैपिंग हो जाएगा, 3 आ जाएगा 29 की प्लेस पे, तो 15, 23, 3, 29, 12, 25। अगले स्टेप में चेक करेगा क्या 29 से छोटा है, यस छोटा है तो फिर स्वैपिंग हो जाएगा, 15, 23, 3, 12, 29, 25। नेक्स्ट स्टेप में चेक करेगा बेटा क्या 29, 25 से बड़ा है, यस बिल्कुल बड़ा है तो स्वैपिंग हो जाएगा, तो बन जाएगा 15, 23, 3, 12, 25 एंड 29, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट स्टेप हुआ फर्स्ट स्टेप में। तो आपने देखा फर्स्ट स्टेप में जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट था एरे लिस्ट का वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया है, ठीक है, वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच गया है। ऐसे बेटा आप सेकंड स्टेप भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, सेकंड स्टेप में अगेन वही चीज स्वैपिंग होगी, ठीक है, 15, 23 से छोटा नहीं है, 23, 3 से छोटा है, यस तो फिर से स्वैपिंग हो जाएगा आपका, यहाँ पे 23 से छोटा है तो हम फिर से स्वैपिंग कर लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा
सो 15 एज इट इज होगा, 23 एज इट इज होगा, सॉरी 23 नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 आपका क्या करेगा, स्वैप कर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 23, ठीक है, 12 25 एंड 29। अब 23 12 से स्वैप कर लेगा यहाँ पे, तो बन जाएगा 15 3 12 23 25 29। 23 25 से स्वैप होगा नहीं और 25 अपने प्लेस पे आ गया। तो ऐसे तीन चार स्टेप में आप चलते हो तो आपका जो एरे लिस्ट होता है, हम ऐसे चलते जाएंगे और एरे लिस्ट हमारा सॉर्ट हो जाएगा। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, बबल सॉर्ट टेक्निक बोलते हैं, ठीक है, बबल सॉर्ट टेक्निक बोलते हैं। क्या करना है बेटा, इसमें हर एक एलिमेंट पहले फर्स्ट स्टेप में एक एलिमेंट दूसरे से कंपेयर करेगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट बड़ा है दूसरा एलिमेंट छोटा है तो ये इसको इंटरचेंज कर लेगा, स्वैपिंग कर लेगा, अगेन अगले लिस्ट को चेक करेगा, अगेन अगले लिस्ट को, ऐसे एंड सो ऑन आपका चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और जब पूरी लूप आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपका प्रॉपर पोजीशन पे लास्ट इंडेक्स नंबर पे पहुंच जाएगा। सेकंड स्टेप में सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट अपने सेकंड स्टेप पे आ जाएगा, थर्ड स्टेप में अपने थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। तो इस तरीके से जो नंबर है आपका वो आपके प्रॉपर पोजीशन पे सेट हो जाएगा और एरे आपका जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बबल सॉर्ट टेक्निक। अब चलिए यहाँ पे हम कुछ एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक प्रोग्रामिंग करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बबल सॉर्ट को हम प्रोग्रामिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, बबल सॉर्ट को कैसे प्रोग्रामिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। और मैं बता दूं बेटा, आईसीएससी आईएससी बोर्ड के लिए ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा, क्योंकि हर एक प्रोग्रामिंग में ये क्वेश्चंस आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग में क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। तो टॉपिक मेरा क्या है बेटा, बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट मेरा टॉपिक है। अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग करूंगा, तो सबसे पहले चलिए एरे से हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप पैकेज यूज करोगे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार सेमीकॉलन, ठीक है। इसके बाद आप क्लास बनाओगे पब्लिक क्लास, क्लास नेम मैं बबल सॉर्ट ही बना लेता हूँ, बबल सॉर्ट क्लास नेम बना लिया बेटा। इसके बाद आप मेन मेथड बना लोगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, स्ट्रिंग args, और इसके बाद बेटा इतना काम मैंने नॉर्मली कर लिया। आफ्टर दैट बेटा आप एरे क्रिएट कर लोगे इंट ar इज इक्वल टू, एरे का सब्सक्रिप्ट आप बनाओगे इज इक्वल टू न्यू इंट टाइप एंड साइज हमने दे दिया यहाँ पे 10, ठीक है, एरे क्रिएट कर लिया। एरे क्रिएट करने के बाद में अब क्या करना बेटा आपको इंट में, ठीक है, एक वेरिएबल आई ले लेते हैं लूप चलाने के लिए, एक वेरिएबल में टेम्प ले लेता हूँ, स्वैपिंग करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा, तो इसके लिए एक वेरिएबल में क्या ले लेता हूँ, टेम्प ले लेता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और इसके बाद में, ठीक है, और एक आई के साथ एक और वेरिएबल जे ले लेंगे, क्योंकि दो लूप चलेगा, एक इनर लूप चलेगा, एक आउटर लूप आपका चलेगा, ठीक है, आई एंड जे ले लिया हमने, तो ये दो लूप ले लिया, बस इतना हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल की नीड होगी। इसके बाद बेटा स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लोगे आप, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, स्कैनर का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया बेटा, ठीक है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में अब मैं क्या करूँगा, एक मैसेज दे देता हूँ एस ओ पी एल एन एंटर एंटर एरे एलिमेंट, एंटर एरे एलिमेंट, जल्दी से बेटा सब लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, एंटर एरे एलिमेंट, ठीक है। और मैंने पहले बताया जब एरे एलिमेंट को आप इनपुट करोगे तो हम किसके थ्रू लेते हैं, लूप स्ट्रक्चर के थ्रू हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं, ठीक है, एक लूप स्ट्रक्चर के थ्रू हम एरे को यहाँ पे बेटा इनपुट ले लेते हैं। तो चलिए मैं इनपुट यहाँ पे ले लेता हूँ एरे को, ठीक है, इन एरे का इनपुट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा, एक लूप स्ट्रक्चर के थ्रू मुझे इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं एरे स्ट्रक्चर का। देखो तो क्या करना है आपको, लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन टेन एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे ए आर आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, एस सी डॉट नेक्स्ट आई एन टी, यहाँ पे बेटा क्या होगा आपका एरे लिस्ट आपका जो है इनपुट हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा स्नेहा, गुड मॉर्निंग अनुराग, गुड मॉर्निंग, ठीक है, जल्दी से बेटा आ जाओ आप सभी लोग, ठीक है। और आप जो है वीडियो को टिल एंड तक आप देखते रहिए, ठीक है, जो भी सीरीज में बता रहा हूँ आप पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहो, ठीक है।
और अगर कोई भी डाउट आती है तो प्लीज़ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हो। ओके, सो आपने क्या किया बेटा, एरे लिस्ट को यहाँ पे इनपुट कर लिया। ठीक है, अब जब एरे लिस्ट आपने इनपुट कर लिया तो मुझे क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है। हमको क्या करना बेटा, यहाँ पे सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करना है। तो सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करने के लिए हम, अब देखिए, अगर आप सॉर्टिंग करेंगे तो लूप चलाएंगे फॉर आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आई की वैल्यू हमेशा, आपका इंडेक्स नंबर हमेशा क्या रहेगा, आपका आई की वैल्यू जीरो रहेगा। ठीक है, और जो लूप चलेगा आपका आई लेस देन 9, अब एक कम चलाएंगे क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करना होगा, तो जो लूप चलेगा हमारा आई लेंथ -1, लेंथ टोटल कितनी थी साइज 10, तो 10 से हम एक कम लूप चलाएंगे तो क्या चलेगा, आई लेस देन इक्वल 9, एंड इसके बाद अपडेट एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, देखिए मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ बेटा, ये तो आपका इनपुट है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ये बन गया बेटा आपका। अब इसके बाद अगले लूप हमारा जे चलेगा, फॉर जे इज इक्वल टू अगेन 0, जे लेस देन 9 माइनस आई, जे लेस देन 9 माइनस आई, 9 माइनस आई -1 एंड जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। तो एक सेकेंड लूप बेटा आपका चलेगा, जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 9, जो टोटल लेंथ -1। ठीक है, लेंथ -1, या आप -1 मत करो, जो हमने लेंथ -1 पहले ही कर लिया है, तो सीधा सा आपका लूप क्या चल जाएगा यहाँ पे, 9 माइनस आई चल जाएगा। ठीक है, आई 9 माइनस आई चलेगा। अब बेटा क्या करना है हमें, अब यहाँ पे अगर हमारा नंबर छोटा मिलेगा तो मुझे एक चेक करना है, तो कंडीशन लगा देना है। क्या कंडीशन लगा देना, इफ जो आपने एरे लिया हुआ ए आर जे, जो आपने एरे लिया हुआ ए आर जे इज ग्रेटर देन, अगर आपका मिलता है ए आर जे प्लस वन, अगली लिस्ट से अगर आपका एलिमेंट ग्रेटर मिलेगा तो मैंने कहा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जब इंटरचेंज होगा तो कैसे चेंज करोगे, ठीक है, हमने कहा टेम्प्रोरी वेरिएबल लिया टेम्प, तो टेम्प इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, ए आर जे, एंड टेम्प इज इक्वल टू ए आर जे, ए आर जे इज इक्वल टू ए आर जे प्लस वन, एंड ए आर जे प्लस वन इज इक्वल टू टेम्प। ओके, और यहाँ पे आपका जो मतलब एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या करेगा, आपस में इंटरचेंज कर लेगा, और इंटरचेंज करने के बाद में अब मैं इस लूप के जो तीनों लूप का जो ब्रैकेट था, ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट, मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ बेटा। और इसके बाद में अब क्या करना है, एरे आपका ये सॉर्ट कर देगा। अब सॉर्टिंग एरे को आपको प्रिंट करा लेना है, तो यहाँ पे आप मैसेज दे दोगे SOPLN सॉर्टेड एरे, सॉर्टेड एरे। ठीक है, आर क्या बन जाएगा आपका, अब लूप चलाना पड़ेगा फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। ओके बेटा, और SOP में आप यहाँ पे ए आर आई को प्रिंट कर लोगे, थोड़ा स्पेस दे दोगे, तो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है आपका एरे एलिमेंट वो प्रिंट हो जाएगा, और आफ्टर दैट ब्रैकेट आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे। ठीक है, तो बेटा ये आपकी पूरी प्रोग्रामिंग बन गई। एक बार मैं फिर से पूरा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है जिससे आपकी प्रोग्रामिंग पूरी नहीं आ पा रही। ठीक है, आई होप अब आपको पूरी प्रोग्रामिंग यहाँ पे दिख रही होगी। थोड़ा सा और मैं कैमरे को जूम से हटा देता हूँ जिससे आपको पूरी प्रोग्रामिंग दिख सके। ओके ओके, ठीक है, आई होप पूरी प्रोग्रामिंग दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ठीक है, और मैं अब इसका एक ड्राई रन करके भी आपको दिखाऊंगा कि प्रोग्रामिंग आपकी चल कैसे रही है। ओके, तो बेटा देख लो, सबसे पहले मैं बता दूं बबल सॉर्ट टेक्निक आपका क्या होता है। बबल सॉर्ट टेक्निक में क्या होता है, आपकी पूरी एक एरे लिस्ट होती है। एरे लिस्ट में आपको क्या करना है, एक फर्स्ट एलिमेंट को, इंडेक्स के फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ना है और उसको सेकेंड इंडेक्स से कंपेयर कराना है। अगर सेकेंड इंडेक्स का नंबर ग्रेटर है, अनवी बेटा गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग गौरवी, गुड मॉर्निंग, ठीक है अनुराग, गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी आ जाओ सभी लोग। पूरे प्रोग्राम को, पूरे वीडियोस को आप टिल एंड तक देखते रहो, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज जो मैं आप लोगों के लिए ही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, और जिससे कि आप घर पे बैठे हो तो पूरी क्लासेस आपको मिल सके। ठीक है, इसलिए मैं लाइव आ रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चंस हैं उसको मैं देख सकूँ। मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के कमेंट में देख रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है बेटा, तो मैं बात कर रहा था बबल सॉर्ट की। ठीक है, बबल सॉर्ट आपका हमने कहा क्या होता है, एक एरे लिस्ट होती है। पूरा एरे लिस्ट में हमें क्या करना है, एक अनसॉर्टेड एरे होता है, उस अनसॉर्टेड एरे एलिमेंट को
मुझे सॉर्ट करना होता है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एरे इंडेक्स में फर्स्ट एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड इंडेक्स एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे। इफ सेकंड इंडेक्स एलिमेंट इज ग्रेटर दैन फर्स्ट एलिमेंट देन इंटरचेंज द वैल्यू, ठीक है। एंड अगेन सेकंड इंडेक्स को कंपेयर कराएंगे थर्ड इंडेक्स से। इफ थर्ड इंडेक्स नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड इंडेक्स नंबर, अगेन इंटरचेंज। सेम आप थर्ड इंडेक्स नंबर को कंपेयर कराएंगे फोर्थ इंडेक्स नंबर से। सपोज इफ फोर्थ इंडेक्स नंबर इज लेस देन थर्ड इंडेक्स नंबर, देन नो चेंज। अगेन फोर्थ इंडेक्स नंबर को फिफ्थ, एंड शो ऑन। ऐसे हम कंपेयर करते चले जाएंगे अप टू टिल लास्ट इंडेक्स नंबर तक। और बेटा ऐसे हमारा क्या होगा, एरे में जब पूरा कई स्टेप में आपका चलेगा और फर्स्ट स्टेप में आपका जो लूप चलेगा, ठीक है, वो जब लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेंगे तो जो फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा एरे लिस्ट का वो अपने प्रॉपर पोजीशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सेकंड जब लूप आपका चलेगा तो सेकंड लास्ट स्टेप सेकंड अपने इंडेक्स नंबर पे लास्ट इंडेक्स नंबर पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से हमारा लूप चलता रहेगा और एरे लिस्ट हमारी सॉर्ट होती रहेगी। अब देखिए बात आती है प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बहुत इजी है बबल सॉर्ट की, सिंपल सा प्रोग्रामिंग है। बस केवल दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बेटा। देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन देख दिया, बबल सॉर्ट आपने कर दिया, देन पैकेज यूज कर ले। यहाँ पे पैकेज यूज करने के बाद में, ठीक है, आपने बबल सॉर्ट की क्लास बना दिया और मेन मेथड क्रिएट कर लिया। इसके बाद में आप एरे क्रिएट करोगे इंट ए आर न्यू इंट 10, जो भी साइज आपको लेनी एरे की आप साइज ले सकते हो यहाँ पे। और दो वेरिएबल आई एंड जे, लूप कंट्रोल वेरिएबल हो जाएगा आपका। और एक वेरिएबल आप ले लोगे टेम्प, टेम्पररी वेरिएबल ले लोगे जहां पे स्वैपिंग करनी है आपको, ठीक है। स्कैनर एससी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और एक मैसेज यहाँ पे दे दिया एंटर एरे एलिमेंट। अब आप यहाँ पे एंटर एरे एलिमेंट करोगे, ठीक है, और एरे एलिमेंट को लूप के थ्रू हम यहाँ पे अपने एरे लिस्ट में स्टोर करा लेंगे। I is equal to 0, I less than 10, I plus plus। और बेटा यहाँ ARI हर एक नंबर जो आप इनपुट कर रहे हो अलग अलग इंडेक्स नंबर 0 से लेकर के 9 इंडेक्स नंबर तक सारे एरे लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। देन I की वैल्यू 0, I less than 9, I plus plus, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ से हमारा सॉर्टिंग स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा मेन सॉर्टिंग स्टार्ट होता है। तो इस बात को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे सॉर्टिंग होगा। सबसे पहले हमारा एक लूप चलेगा आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नाइन, आई प्लस प्लस। सेकेंड लूप फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे लेस देन नाइन माइनस आई, जे प्लस प्लस। और अगर ए आर जे एलिमेंट ग्रेटर है ए आर जे प्लस वन से, ठीक है, या ए आर जे ग्रेटर है ए आर जे प्लस वन से, तो वैल्यू क्या करेगा आपका इंटरचेंज कर देगा। और इसके बाद में, ठीक है, ये लूप हमारा चलता रहेगा टिल एंड तक। सेकंड बार सेकंड लूप चलेगा तो फिर ये पूरा चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा फिर ये पूरा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो लूपिंग होगा बढ़ जाएगा आपका। और इसके बाद जब पूरे एलिमेंट शॉर्ट हो जाएगा तो हम प्रोग्राम से बाहर निकलेंगे और सॉर्टेड एरे को मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा। तो इस तरीके से जो हमारा सॉर्टेड एरे है बेटा वो आपका क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कहिए तो मैं इसका एक ड्राई रन करता हूँ और आप लोगों को ड्राई रन करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसका आउटपुट कैसे आने वाला। सपोज मान लीजिए मैं इतनी बातों को यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे आपको कोई मतलब नहीं है। देखिए बेटा अब क्या करेंगे, जैसे आपने एरे क्रिएट किया तो आपके इंडेक्स में, ठीक है, कंप्यूटर के इंडेक्स में आपका मेमोरी में एक इंडेक्स एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एक एरे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, 10 साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, 10 साइज का एरे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, 0, 1, 2 डॉट 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 अप टू कहाँ तक चला जाएगा आपका 9 तक। और जब ये इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा आपने मैसेज दिया एंटर एरे एलिमेंट। अब यहाँ से जो भी नंबर आप इनपुट लोगे ना वो वन बाई वन आपका एरे लिस्ट में स्टोर होता हुआ चला जाएगा, वन बाई वन एरे लिस्ट में स्टोर होता हुआ चला जाएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, प्रज्ञा बेटा गुड मॉर्निंग, ठीक है। सो अब आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका जीरो, तो सबसे पहला मान लीजिए आपने इनपुट कर लिया 10, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, आपने यहाँ पे कर लिया 12, ऐसे आपने एरे लिस्ट बना लिया। अब इसके बाद में कंपेयर करेंगे आई की वैल्यू 0, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितना हो गया आपका 0, कंडीशन चेक करेगा 0 लेस देन 9, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा 0 लेस देन 9, ठीक है। और इसके बाद में सेकेंड लूप में आएंगे, जे की वैल्यू हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे चेक करेगा जे लेस देन 9 माइनस आई, 9 माइनस आई का मतलब आई की वैल्यू 0 है, तो लूप कहाँ तक चलेगा आपका 9 तक चलेगा, ठीक है, लूप आपका कहाँ तक चलेगा 9 तक चलेगा। इसके बाद में अब यहाँ पे आएंगे चेक करा जाएगा बेटा ए आर जे, ए आर जे का मतलब ए आर जीरो, ए आर जीरो में कितना है स्टोर है 10 इज ग्रेटर देन ए आर जे प्लस वन, ए आर जे प्लस वन कितना है आपका 3 है, ठीक है, तो अब जे प्लस वन 3 है, तो यहाँ कंडीशन आपका क्या है ये ट्रू है, ए आर जे इज ग्रेटर देन ए आर जे प्लस वन। अगर ये ट्रू होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा आपका इंटरचेंज हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा,
तो 3 10 के प्लेस पे आ जाएगा, 10 3 के प्लेस, तो बन जाएगा 3 10 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसके बाद ये कंट्रोल लूप आपका अगेन जे प्लस प्लस पे जाएगा, अब जे की वैल्यू हो जाएगा 1, अब जे की वैल्यू 1, ठीक है। मतलब बेटा यहाँ पे ध्यान देना, जब आई आपका एक बार चलेगा तो जे जितने आई लेंथ माइनस 1 टाइम आपका जे लूप चलेगा, फिर जब आई 2 टाइम चलेगा तो जो जे लूप होगा वो लेंथ माइनस आई टाइम आई माइनस 1 टाइम चलेगा। तो इस तरीके से आपकी लिस्टिंग चलती रहेगी और जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो आपका स्टोर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बबल सॉर्ट प्रोग्रामिंग था, ठीक है, जिसको आपने देखा। बबल सॉर्ट प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, ठीक है, और आप इसको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका पता हो गया होगा क्या करना है आपको, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देख लो, इस प्रोग्रामिंग को रफ कर देता हूँ, जैसे जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, ठीक है, वो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से जा करके, ठीक है, वीडियो अपलोड हो जाएगा, स्टार्टिंग से जा करके आप देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई डाउट ना आए। अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्रामिंग के कुछ नए कॉन्सेप्ट लेकर के आऊँगा, जहाँ पे डबल डायमेंशनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसे क्रिएट किया जाएगा, मैट्रिक्स को अरेंज कैसे करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ क्या बेसिक ऑपरेशन हो सकते हैं, तो ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग जो है बेटा प्रोग्रामिंग करते रहो, ठीक है, अगर कोई भी डाउट आती है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में आके हमें पूछ सकते हो, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।